नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्यार मोहब्बत में धर्म और मजहब बीच में कहां से आ जाता है, इस जुमले के जरिए एक नैरेटिव सेट करने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग पिछले दो दिन से खामोश बैठा हुआ है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दिन दहाड़े जिस तरह से लव जिहाद के नाम पर एक लड़की की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस पर तो सेकुलर और लिबरल ब्रिगेड के मुंह में ताला लग गया है। घटना 26 अक्टूबर की है, जब निकिता तोमर बीकॉम फाइनल ईयर की परीक्षा देकर शाम 4 बजे अपने कॉलेज से बाहर निकल रही थी, तभी एक कार वहां आकर रुकी। तौफीक नाम के लड़के ने निकिता को पहले तो अपनी गाड़ी में खींचने की कोशिश की, उसका अपहरण करने की कोशिश की। जब वो इसमें नाकाम रहा और जैसे ही उसकी नज़र निकिता के भाई पर पड़ी तो उसने निकिता पर गोली चला दी। घटना के बाद निकिता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपी तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी रेहान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। तौफीक मेवात का रहने वाला है, वो 12वीं तक निकिता के साथ ही पढ़ता था। निकिता के परिवार का आरोप है कि वो निकिता पर पिछले 4 साल से दोस्ती करने का दबाव डाल रहा था और दोस्ती और धर्म परिवर्तन से इनकार करने के चलते ही 2018 में यानी 2 साल पहले भी उसने निकिता का अपहरण किया था। तब उसने निकिता पर इस्लाम कबूल करके निकाह करने का दबाव डाला था। उस वक्त काफ़ी बीच बचाव करके एक समझौते के तहत मामला निपटाया गया था। उस वक्त तौफीक के माता पिता निकिता के परिवार वालों के पैर पड़ गए थे कि उनके बेटे के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज ना करवाएं। उस वक्त निकिता के परिवार ने भी इस मामले को अपने ही स्तर पर रफा दफा कर दिया, लेकिन शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी जिसका खामियाजा आज उनकी लाडली को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। निकिता पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और बीकॉम में हर साल उसने टॉप किया था। वो लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा करना चाहती थी। उसने हाल ही में एयरफोर्स की परीक्षा भी दी थी, साथ ही एनडीए के लिए भी लगातार तैयारी कर रही थी। उसे 12वीं क्लास में 95% अंक मिले थे। 2018 की घटना के बाद से हर रोज़ निकिता का भाई ही उसे कॉलेज छोड़ने और लाने के लिए जाता था। घटना वाले दिन भी निकिता की माँ और भाई उसके साथ कॉलेज गए थे। और ज़रा सोचिए, माँ और भाई के सामने ही बीच सड़क पर तौफीक ने निकिता को मौत के घाट उतार दिया। ताजुब की बात तो यह है कि अभी 1 महीने पहले ही निकिता ने पुलिस में तौफीक के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत भी दर्ज करवाई थी और उसी से बौखलाए तौफीक ने एक होनहार छात्रा को बीच सड़क पर गोलियों से भून डाला। अब कहाँ हैं वो लोग जो लव जिहाद को एक मसला मानते ही नहीं, जिन्हें लगता है कि ये तो बस एक प्यार मोहब्बत का मामला है और किन्हीं दो धर्मों के बीच कभी भी कहीं भी किसी को किसी से प्यार हो सकता है। कमाल की सोच है इस टुकड़े टुकड़े गैंग की। कहाँ है वो लुटियन गैंग की बिरादरी जो बात बात पर हाय तौबा मचा देती है, जो बात बात पर इनटॉलरेंस का ढिंडोरा पीटने लगती है। अब निकिता तोमर लव जिहाद मामले में वो सब खामोश क्यों है? अब मुसलमानों के पैरोकार राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी चुप्पी साधे हुए क्यों है? उन्हें तो अब तक निकिता के घर जाकर उसके परिवार वालों से मुलाकात करनी चाहिए थी। घटना को 2 दिन गुजर चुके हैं। वैसे भी हरियाणा की बीजेपी सरकार को घेरने का इससे बढ़िया मौका और क्या मिलता? हाँ, ये जरूर है कि इस मामले में आरोपी मुसलमान लड़का तौफीक है और पीड़िता दलित तो है ही नहीं, तो बात उनके एजेंडे में फिट ही नहीं हो रही है। इसीलिए तो पूरा का पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग खामोश बैठा हुआ है। लव जिहाद का ये मामला तो इस जमात को वैसे भी कहाँ नजर आता है? फरीदाबाद तो छोड़िए, दिल्ली में, जी हाँ, राजधानी दिल्ली में करीब 1 महीने पहले हुई घटना भी इस बिरादरी को नजर नहीं आई। दिल्ली के आदर्श नगर में राहुल राजपूत की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। वजह था उसकी गर्लफ्रेंड का मुस्लिम होना, तो उस लड़की के दोनों भाइयों ने राहुल को बीच सड़क पर पीट पीट कर मार डाला था। इन्हें राहुल राजपूत की लिंचिंग भी नजर नहीं आई थी, क्योंकि वहां पर भी तो वोट बैंक के मसले का पेंच फंस रहा था। तो पूरी जमात ने इस मामले को नजरअंदाज कर दिया था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो फिल्म स्टार मोहम्मद जिशान कहाँ है अब, जो तनिष्क की लव जिहाद को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन के बाद अपनी हिंदू पत्नी की गोद भराई की तस्वीरें सोशल मीडिया में बांटता फिर रहा था। अब बताए वो कि निकिता के मामले को कैसे देखा और समझा जाए। और हाँ, वो बॉलीवुड गैंग की सेकुलर ब्रिगेड भी अब चुप क्यों है?
मिन्नी माथुर ने भी अपने पति कबीर खान के साथ अपने प्यार पर खूब बखान किया था। अब बोले ना या फिर ट्वीट करें कि निकिता तोमर की हत्या को किस तरह से देखा जाए। अब बोलती क्यों बंद है इस जमात की। देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन बात लव जिहाद के नाम पर चल रहे नापाक प्रोपेगेंडे की होनी चाहिए, उनके दिमाग में चल रहे फितूर की होनी चाहिए। टीवी पर गहनों की एक कंपनी तनिष्क ने भी एक विज्ञापन के जरिए लव जिहाद को जायज़ ठहराने की नापाक कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ, मेजॉरिटी के विरोध में उस एड को तुरंत हटाना पड़ गया। अजब हाल है, एक तरफ तो हिंदू बेटियों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाकर निकाह करने पर मजबूर करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस लव जिहाद को जायज़ ठहराने वालों की गिनती भी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। बाकायदा टुकड़े टुकड़े गैंग का बॉलीवुड विंग एड्स के जरिए और फिल्मों के जरिए इस खेल में जुटा हुआ है। बड़े शातिराना तरीके से ये लोग हिंदू लड़कियों के अंदर मुस्लिम इथोस को थोपने को लेकर एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ये एक निकिता का मामला नहीं है, इससे पहले भी ना जाने कितनी लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी करके अपना जीवन बर्बाद कर लिया। कितनी हिंदू लड़कियों की तो लव जिहाद के चलते जान चली गई। मुस्लिम लड़के दरअसल नाम बदल बदल कर पहले तो हिंदू लड़कियों को अपने प्यार में फंसाते हैं, फिर अपना धर्म यानी इस्लाम कबूल करके निकाह करने पर मजबूर करते हैं। अरे भाई, अगर प्यार है तो फिर धर्म हिंदू लड़की ही क्यों बदले, तुम अपना इस्लाम छोड़कर हिंदू बन जाओ फिर शादी कर लो। लेकिन नहीं, ऐसा कतई नहीं हो सकता, क्योंकि लव जिहाद हिंदू लड़कियों को फंसाने का एक एजेंडा है, उसका प्यार मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है, और इस तरह के मामले हर रोज देखने सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन निकिता के मामले ने तो सबके होश उड़ा दिए हैं। अगर दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में इस तरह की घटना घट सकती है तो देश के दूर दराज के इलाकों की आप खुद ही सोच सकते हैं। लेकिन ताज्जुब तो इस बात का है कि हाथरस में जिस टुकड़े टुकड़े जमात ने एक फेक न्यूज़ के नाम पर तांडव मचा रखा था, उसे ये खबर अब तक नज़र ही नहीं आई। हाथरस में एक दलित युवती को न्याय दिलाने वाले अब निकिता को न्याय दिलाने की बजाय किस बिल में घुस गए हैं। अब इनकी न्याय और सेकुलर सोच का क्या हुआ। यूपी में तो दरअसल योगी सरकार को घेरने का एजेंडा चला रही थी ये पूरी जमात, पर निकिता की हत्या पर तो इस तरह की राजनीति भी नहीं की जा सकती। पेंच फंस चुका है, निकिता ना तो दलित थी ना मुस्लिम थी, और तो यहाँ तो आरोपी भी उनके सेकुलर जमात के ही हैं, तो फिर कैसे वो निकिता को न्याय दिलाने की जंग छेड़ेंगे। किसी भी मासूम की मौत पर ये तभी घड़ियाली आंसू बहाते हैं जब उसकी जाति दलित या मुस्लिम होती है, क्योंकि इन दोनों के नाम पर ही इनका एजेंडा चलता है। कांग्रेस की राजनीति पिछले 70 साल से इसी धर्रे पर चल रही है, और रही बात लुटियन गैंग की, तो उन बेचारों की रोजी रोटी भी इस्लामोफोबिया के नाम पर ही तरह तरह के आर्टिकल लिख लिख कर चल रही है। अब कहाँ चली गई है बॉलीवुड की वो जमात जिसे अखलाक की मौत के बाद बहुत डर लग रहा था। अब निकिता की हत्या पर तख्तियाँ हाथ में लेकर करीना कपूर से लेकर स्वरा भास्कर तक क्या न्याय की गुहार लगाएंगी। अब ये लोग निकिता को न्याय दिलाने के लिए क्या कैंडल लाइट मार्च निकालेंगे। अब तो ना इन्हें डर लग रहा है ना विदेश जाने की बात कर रहे हैं। साफ है, जब कटघरे में इनके चहेते खड़े होंगे तो इनकी जुबान पर ताला लग ही जाएगा। अब निकिता का परिवार इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग पर अड़ गया है। मौका है कि लव जिहाद की आड़ में चल रहे इस नापाक खेल का पर्दाफाश हो ही जाना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।